जो विश्वास किया है हमारी जनता ने, हमारे आजमगढ़ ने, जी उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे। और पूजनीय महाराज जी से आज मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ और आशीर्वाद लिया, उनका आशीर्वाद मिला और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन की सरकार के साथ आजमगढ़ ने अपने आप को जोड़ दिया है, तो विकास कार्य तो हमने पहले से ही शुरू कर दिया था। वहाँ विश्वविद्यालय दे दिया था, दो दो फोर लेन से हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ दिया था। उसके अलावा जो वहाँ जितनी भी जरूरतें हैं वो सब आप वहाँ रह के हमें बताइए और हम उसको सब करेंगे, पूरा करेंगे। तो हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी की का भी हाथ मेरे सर पे है और उन्होंने भी आश्वासन दिया था। तो मुझे लगता है कि अब डबल इंजन की सरकार जो है वो आजमगढ़ के विकास को रफ्तार पकड़ा देगी और इसी उम्मीद में आजमगढ़ ने कमल खिलाया है। दिनेश जी, सीएम योगी आदित्यनाथ से आज आपने मुलाकात की, अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखाई ही रहे हैं। कैसी रही वो मुलाकात, कितनी ऊर्जावान थी? बहुत बहुत ऊर्जावान थी। जब मैं मिला और मिलके मैंने याद किया वो दिन 19 फरवरी जी 2019 का, जब पहली बार उन्होंने मुझे मिलके कहा, मिले थे हम लोग, तो उन्होंने कहा था कि आप आजमगढ़ जाइए। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि मुझे आजमगढ़ छोड़ के कोई और सीट दे दीजिए, मैं जीत के आ जाऊंगा, मुझे आजमगढ़ क्यों भेज रहे क्यों हैं। आजमगढ़ क्यों नहीं जाना चाहते थे आप? तो उस समय मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि वहां अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं जी और जो यादव लोग हैं वही मेरे खिलाफ हो जाएंगे, तो मैं ये संशय था मेरे मन में। तो मैंने उनको ये बात कही तो फिर उन्होंने कहा कि ये अवसर ईश्वर किसी किसी को देता है जो आपको मिल रहा है, आप जाओ। तो मैंने सोच लिया कि जब हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ऐसी बात कह रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कुछ बात है। फिर मैंने उनका आशीर्वाद लिया और मैं पहुंच गया था 19 में लड़ने के लिए। और हारने के बाद जब मैं फिर मिला जी तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में लगे रहना, आजमगढ़ छोड़ना नहीं। और मैं लगातार आजमगढ़ में बना रहा, आजमगढ़ की जो समस्याएं थी वो चिन्हित करके उनके पास लेके आता था, वो सॉल्व भी करवाता था, संबंधित अधिकारियों से भी मिलता था, बीच बीच में जो अपनी शूटिंग थी वो भी करता था। तो फिर जब उपचुनाव आया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जेपी नड्डा जी ने और हमारे पूजनीय जी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय अमित शाह जी ने, सभी लोगों ने मिलके ये डिसीजन लिया कि ठीक है एक बार इसको और भेजते हैं, क्योंकि ये वहां हारने के बाद भी काम कर रहा है। जी मतलब अगर आजमगढ़ की जनता ने इसको अपना सेवक बनाया तो ये काम करेगा। तो फिर मुझे दोबारा अवसर मिला और मैं गया वहां पे और अपनी बात रखी कि आप लोग जो है लगातार यहाँ विपक्ष में रह रहे हैं जी और आजमगढ़ पिछड़ता जा रहा है, तो एक बार डबल इंजन की सरकार से जुड़ के तो देखिए अगर आपको लगेगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जी ठीक है, आप यम वाई समीकरण पे चल रहे थे तो हम भी आपको यम वाई समीकरण ही देने आए हैं। अब ये मोदी योगी का समीकरण है जी जो पूरा देश पसंद कर रहा है, जिसके नेतृत्व में आज जो है हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। तो जी आप लोग एक बार जुड़ो तो सही, फिर देखते हैं और आपको भी वही एक भरोसा असमगढ़ मौका की मिलेगा जनता ने परीक्षा आपको लेने का। जताया भी है। तो लेकिन ऐसा क्या कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपका है आजमगढ़ को लेके जो आप चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए आजमगढ़ में, पर ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका? बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। देखिए पहली बात तो मुबारकपुर में जो साड़ी बनती है वो साड़ी पूरे दुनिया में बिकती है और उसके लिए वहां के लोगों के लिए जिस तरह की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आप वाराणसी से जो मेन लाइन से आजमगढ़ को जोड़ना और वहां से ट्रेनें जो है वो चले जी बाकी शहरों के लिए चले, वो अभी तक नहीं हुआ है, जो सबसे पहला आवश्यक काम है, क्योंकि वो होते ही इनका जो कारोबार है वो तेजी पकड़ लेगा और आजमगढ़ जो है जी कनेक्ट हो जाएगा सीधा एकदम विकास की गति से। दूसरी बात जो है
आजमगढ़ का जो मास्टर प्लान नहीं बना है अभी तक, जिसके वजह से वहां लोगों को बहुत तकलीफ आती है जी। कि उनका लोन तो पास हो जाता है लेकिन नक्शा पास नहीं होता है क्योंकि मास्टर प्लान नहीं बना है, वो है। उसके अलावा दिवारा क्षेत्र एक ऐसा है जहां पे हर बारिश में 30-40 हजार घर जो है वो बाढ़ की चपेट में आ जाता है, वो हर साल आता है जी। तो क्यों उसका आज तक नहीं निकाला गया सॉल्यूशन, वो मुझे समझ नहीं आया। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे काम करना ही करना है ठीक। तो उसके ऊपर जो है हम लोग फोकस करेंगे। और वहां पे जो बांध बनाने की डबल करना है, जो बांध पहले से बना है उसको डबल करवाना है, उसके अलावा कैंची बांध करवाना है जिससे कि उस गांव में बाढ़ भी ना आए और वहां के लोग जो है बाढ़ से बच भी जाए। क्योंकि बाढ़ राहत के नाम पे आप सोचिए जितना खर्चा हर साल होता है उतना खर्चा इस पे करना जरूरी है कि उसको सॉल्यूशन क्या है उसका, कि ना आए वहां पे वो 30-40 हजार जो घर है वो हर बार अपना घर छोड़ के आके सड़कों पे रहता है, ये क्यों ऐसा क्यों, उस पे काम करना है ठीक है। क्योंकि मैं जाता हूं जब वहां देख के तो लगता है ये कौन से भारत का ये हिस्सा है, मतलब पूरा भारत नया भारत बन गया लेकिन ये अभी कहां पड़ा हुआ है। ये कोई भी वहां जाएगा तो देख के सोच में पड़ जाएगा, मैं भी जाता हूं तो मैं दंग रह जाता हूं। तो उसको कनेक्ट करना है, उसको जोड़ना है ठीक है, और उस पे काम करना है ठीक है। एक भोजपुरी नामी कलाकार से लेकर आजमगढ़ के सांसद तक का सफर आपने जो तय किया है वो संघर्ष सभी लोगों ने देखा है। अब आजमगढ़ की जनता ने आपको चुना है और अपनी कमान आपके हाथों में दी है उनके विकास के लिए, उनके धन्यवाद करने के लिए। अपने अंदाज में अगर आप उनको कुछ कहना चाहें, कुछ सुनाना चाहें। बस मैं तो यही कहूंगा कि ये जो जीत हुई है वो आजमगढ़ की जनता की जीत हुई है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता एकदम सब मैदान में उतर के और खुद ही सब लोग चुनाव लड़ रहे थे, सिर्फ मैं नहीं लड़ रहा था। तो यही हुआ कि बीजेपी ने जीत लिया है आजमगढ़ कारण भैया, बीजेपी ने जीत लिया है सपा का सारा गढ़ भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था पूरा आजमगढ़ भैया, बन के निरहुआ लड़ भी रहा था। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभारी हूँ मेरे सभी देवतुल्य जो हमारे जनता और कार्यकर्ता सभी लोगों ने रात दिन जो परिश्रम किया उनके बदौलत ये हो पाया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका न्यूज स्टेट के साथ जुड़ने के लिए और अपने विचारों को हमारे साथ हमारे दर्शकों के सामने व्यक्त करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ दिनेश लाल निरहुआ जी अभी जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया है कि